औपचारिक पत्रों की दूसरी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है विषय। विषय के अंतर्गत हम पत्र लिखने का जो मुख्य कारण होता है उसे बहुत संक्षेप में लिखते हैं। विषय बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत संक्षेप में पत्र लिखने का जो कारण होता है इसे हम विषय में लिखते हैं। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए मित्रों कि पत्र लिखने का जो कारण है वो बहुत संक्षेप में होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिस की है कुछ दिनों में, ज्यादा से ज्यादा हम अपने क्लास टीचर को अवकाश के लिए आवेदन लिखते हैं, लीव एप्लीकेशन, या प्रिंसिपल मैडम से कोई स्पेशल परमिशन हमें मांगनी होती है, तो हम केवल बहुत संक्षेप में उसका कारण लिखेंगे कि इस कारण से ये आवेदन लिखा गया या ये पत्र इस कारण से लिखा गया। और उसके बाद अगले स्टेप में हम, जैसा कि औपचारिक पत्र है फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं, निश्चित तौर पर ये एक तरह का रिक्वेस्ट लेटर होता है जिसमें हम कहीं ना कहीं अपनी हायर अथॉरिटी से कोई डिमांड कर रहे होते हैं, कुछ अपेक्षा हमारी होती है। तो बहुत औपचारिक रूप से, बहुत रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में, बहुत सम्मानजनक भाषा का प्रयोग हमें इन पत्रों में करना होता है। माननीय या महोदय, ऐसे किसी सम्मानजनक शब्द के साथ हम अपने पत्र का प्रारंभ करते हैं। और इन पत्रों में ध्यान ये देना चाहिए हमेशा कि हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, सारगर्भित बात होनी चाहिए। इसमें कोई भी लंबी चौड़ी बातचीत, मुहावरेदार बातचीत या औपचारिक भी बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल भी अनौपचारिक चर्चा इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत लंबा आवेदन नहीं होना चाहिए। महोदय या माननीय लिख करके फिर हम विस्तार से अपने पत्र में पत्र लिखने का कारण और अपनी जो भी बातें हैं उसको हम विस्तार से विस्तार अपने विषय या अपनी समस्या या जिस भी कारण से हमने पत्र लिखा है उसका विस्तार से हम इसमें उल्लेख करते हैं। और जब हमारी बात पूरी हो जाए, जब हम अपनी बात पूरी कह चुके हों, उसके बाद हम इसमें धन्यवाद, जैसा कि औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र में हमने ये जाना है कि औपचारिकताएं अवश्य निभाई जानी चाहिए। हम अपनी हायर अथॉरिटी को जब अपनी बात पूरी कह दें उसके बाद थैंक्स गिविंग के साथ हमारा लेटर को हम क्लोज करते हैं, इस पत्र को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद या सर धन्यवाद ऐसा लिखने के बाद फिर हम अपना नाम और पता, पत्र लिखने वाले का नाम और उसका पता और दिनांक, ये महत्वपूर्ण होता है और किसी भी औपचारिक पत्र में, किसी भी पत्र लेखन में ये हमें अवश्य करना चाहिए। जब हम पत्र लिख रहे होते हैं तो जिसने भी पत्र लिखा है वो आवेदक, हम जब स्कूल में लिखते हैं अभी तक हमारा अभ्यास रहा है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपके आज्ञाकारी शिष्य लिख करके हम अपने पत्र को समाप्त करते हैं। किसी दूसरे आवेदन पत्र में हम अपना नाम आवेदक या प्रेषक के रूप में भी लिख सकते हैं, निवेदक के रूप में लिख सकते हैं, अपना नाम पता और दिनांक, इतनी औपचारिकताएं औपचारिक पत्र में अनिवार्य रूप से निभाई जाती है। तो इस तरह से हमें जब हम इतने स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जब हम इतने प्रारूप को और बिल्कुल पालन करते हैं अच्छे से, तो हम एक अच्छा लेटर लिखना हमें आ जाता है, एक अच्छा पत्र लेखन हम कर सकते हैं। तो औपचारिक पत्र लिखने का ये एक अच्छा तरीका है। अगली क्लास में हम अनौपचारिक पत्र लेखन की कला
या उस कौशल से परिचित होंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में।